आज रिटायर्ड पुलिस मुलाजमों की जो मीटिंग है ये हर महीने 15 तारीख को हम यहाँ पे मुलाकात करते हैं और अपने जो प्रॉब्लम्स है हम आपकी वजह से आपके अफिसरान बाला को पहुँचाते हैं। तो आज की मीटिंग में हमारे वही पहले ही पॉइंट हैं, जैसे कि हमारा पे नॉमिलीज है तो उसमें 1196 से लेके हमारा केस जो है वो चल रहा है, लेकिन अभी तक उसमें कोई फैसला नहीं हुआ। नेक्स्ट तारीख जो है कोर्ट में पता चला है कि 20 दिसंबर को फिक्स हुई है और उम्मीद है कि उसमें हम विन करेंगे और हमारे हाथ में फैसला होगा। इसके अलावा कल हमारे डीजीपी साहब जो है वो यहाँ पे तशरीफ फरमा हुए थे, मीटिंग में उन्होंने कॉल किया था, लेकिन मुझे एसएसपी पुंछ से गिला है कि जब हमें वहां पे बुलाया गया तो मैं बायसीते प्रेसिडेंट पुलिस वेलफेयर लीग वहां पे गया था, लेकिन मुझे टाइम नहीं दिया गया कि मैं अपने रिटायर्ड पुलिस मुलाजमान के जो हालात थे, जो हमारी प्रॉब्लम्स थी, वो जनाब डीजीपी साहब को गुजारिश कर सकूं। तो एसपी साहब को चाहिए था कि हमें टाइम देते, लेकिन चलो उन्होंने ये कहा कि डीजीपी साहब ने वापस जाना है तो टाइम की कमी है, सिर्फ 4 या 5 आदमी जो हैं वही हालात को गुजार करेंगे। चलो उनकी मर्जी है, मालिक हैं। तो इसके अलावा मैंने जो अपने लिखा था, जो मेरे पॉइंट्स थे, स्पासनामा था, डीजी साहब जो हैं वो बाजाते खुद मुझे जानते हैं, एडिशनल एडीजीपी साहब भी जानते हैं, उनके साथ एमके सेना साहब जो के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं वो भी मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं, सब मिले हैं। मैं अपनी जगह पर उन्होंने मैं उनको अपने हालात जो हैं रिटायर्ड पुलिस मुलाजमान के वो गुजार किए हैं और स्पासनामा जो है वो भी उनकी खिदमत में पेश किया है, उम्मीद है कि वो उस पर गौर करेंगे और उन्होंने वायदा भी किया है कि आपकी फाइल के मुताबिक मैं वहां देख के जो भी होगा कर लेंगे। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमारा है SRO 43 का। SRO 43 के कुछ लोग जो हैं वो बेचारे, उनकी फैमिली जो है वहां पे दरबदर हो रही है, उनका कोई भी अजाला नहीं हो रहा है। तो डीजीपी साहब से ये मैंने थ्रू व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट की थी और कल जो स्पासनामा मैंने दिया है उसमें भी लिखा है, उसमें हमारे पुंछ के 2 केसेस हैं, एक तो हरतीक शर्मा सरनव युगल किशोर शर्मा जो एक्जरली पुलिस के थे, वो 3 साल से उनकी वफात हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनका बेटा जो है और उनकी फैमिली जो है वो जगह जगह हर दफ्तर में जा रही है, लेकिन कोई अजाला नहीं हो रहा है। तो एक केस वो था, एक केस यहाँ पे एक SPO जो था ड्यूरिंग सर्विस की यहाँ पे डेथ हुई थी 2005 में, तो अभी तक उसका भी कोई नहीं हुआ है। तो वो ये 2 केस जो है जो मेरे नोटिस थे वो मैंने DGP साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो इनको जो है देखें और इनके जो कागजात वहां पे हैं वो भेजें, सेक्रेटरी में भेजें ताकि उनका ये प्रॉब्लम जो है दूर हो सके। इसके अलावा और भी हमारे कुछ मुतालबात थे, लेकिन क्योंकि हमें टाइम ही नहीं दिया गया, चलो कोई बात नहीं देख लेंगे हम। तो इसके अलावा हमने ये भी उनसे रिक्वेस्ट की है कि जम्मू और श्रीनगर जो पुलिस हॉस्पिटल हैं वहां पर रिटायर्ड पुलिस मुलाजमों के लिए कम से कम 10 बेड जो हैं वो मखसूस किए जाएं ताकि रिटायर्ड पुलिस अफसर वहां पे जाके अपना इलाज जो है वो करवा सकें। इसके अलावा मैस का जो बंदोबस्त है, गस्टर्ड मैस जो है पुलिस आदमी के लिए वहां पे बनाई गई है, लेकिन नॉन गस्टर्ड के लिए कोई मैस का इंतजाम नहीं है। हमारे लोग यहाँ से जो श्रीनगर जाते हैं या जम्मू जाते हैं वो होटल में ठहरते हैं और मिलिटेंसी में सबने काम किया हुआ है और मिलिटेंटों की नजरों में है और जाके होटलों में ठहरे हैं, दाएं बाएं ठहरते हैं, तो जान का खतरा भी है। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की है DGP साहब से कि एक नॉन गस्टर्ड जो मैस है वो बनाई जाए जहाँ पे हमारे नॉन गस्टर्ड लोग जो जाते हैं वो वहां पे ठहर सके और अपना इलाज या जो भी उन्होंने करवाना है वो कर सके। उसके लिए वो टाइम फिक्स कर लें कि कितने दिन के लिए वहां पे ठहर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है जम्मू की तरफ में बनाई जाए, क्योंकि पुलिस मुलाजम जो है वो बेचारा यहाँ पे रह नहीं सकता, कभी कहीं ट्रांसफर कभी कहीं ट्रांसफर है, तो उसके बच्चे जो हैं वो अच्छी तालीम हासिल नहीं कर सकते।
तो हमने ये रिक्वेस्ट की है कि 10+2 का एकेडमी जो है वो जहाँ बनाई जाए, ताकि हमारे जो रेगुलर मुलाजमान हैं या रिटायर्ड पुलिस मुलाजमान के बच्चे हैं वो तालीम हासिल कर सकें। हमने ये भी रिक्वेस्ट की है कि हमारे जो नॉन गजटेड ऑफिसर जो तकरीबन हेड कांस्टेबल या ASI तक जो लोग हैं उनको डिस्ट्रिक्ट से बाहर ट्रांसफर किया जाता है, तो इस पॉलिसी पर वो गौर करें। हम ये नहीं कहते कि ट्रांसफर ना करें, ट्रांसफर करें, लेकिन कम से कम 2 साल का पीरियड उनके लिए रखें, ताकि 2 साल के बाद वो 2 साल के बाद वो आए और आके अपना यहाँ पे घर बार जो देख सकें, अपने बाल अयाल को देख सकें। तो इसके लिए हमने ये रिक्वेस्ट की है और इसी सिलसिला में आज की जो मीटिंग है ये हमने रखी थी। इसके अलावा हमने ये रिक्वेस्ट की है कि हमारे चंद मुलाजमान जो हैं रिटायर्ड, उनका घर का कोई भी आदमी जो है वो किसी भी सर्विस में ना है, तो सर्विस में ना होने की वजह से उनके जो बाल बच्चे हैं वो रोजी रोटी के लिए मजबूर हैं। तो हमने ये रिक्वेस्ट की है DGP साहब से कि कम से कम ये वेरीफाई करें जिस रिटायर्ड पुलिस मुलाजम का कोई बच्चा जो है वो सर्विस में नहीं है, उस कम से कम SPO तो उसको भर्ती करें ताकि वो अपना गुजारा जो है वो कर सके। तो यही हमारे DGP साहब से हमने रिक्वेस्ट की है। उसके बाद SSP साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे ये दफ्तर में ये रेनोवेशन करवाई है, क्योंकि हमने यहाँ पे रिटायर्ड पुलिस मुलाजमा के लिए एक मेस जो है वो इस ऑफिस में एस्टेब्लिश की हुई है, ताकि जो बाहर से हमारे लोग आते हैं हॉस्पिटल में आते हैं या कहीं और काम के लिए आते हैं वो कम से कम 2 आदमी यहाँ पे ठहर सकें और अपना होटल का जो खर्चा है वो बचा सकें। उसके लिए साहब का हम शुक्रगुजार हैं कि कम से कम उन्होंने हमें ये फैसिलिटी जो है यहाँ पे दी है। यहाँ तक ही हमारे जो है मतलब बातें। थैंक यू।